माय नेम इज टाइम, मेरा नाम समय है। मैं अपने गति से चल रहा हूँ, या आप यूं कहें कि मैं भाग रहा हूँ। मैं किसी के लिए रुकता नहीं। जब मैं एक बार हाथ से निकलता हूँ तो मैं कभी वापस नहीं आता। मैं बहुत कीमती हूँ। जब मैं चला जाता हूँ तो लोग मुझे याद करते हैं। मुझे बर्बाद मत करो, क्योंकि मुझसे ही जीवन बना है। आप हमेशा मेरे साथ चलो, आप ऊंचाइयों को छू लोगे। मेरे साथ जो नहीं चलते, मैंने उन्हें बर्बाद होते हुए देखा है, रोते हुए देखा है, अपने आप को कोसते हुए देखा है। क्योंकि मैं उस समय याद आता हूँ जब मैं चला जाता हूँ। बेकार कामों में मुझे बर्बाद करके तुम अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। अगर तुम मेरा एक सेकंड का कीमत जानना चाहते हो तो जाकर उनसे पूछो जिनका एक्सीडेंट होते होते रह गया हो। क्योंकि ये बोला गया है, द प्रॉब्लम इज दैट वी थिंक वी हैड टाइम। मैं किसी का इंतजार नहीं करता, और जो मेरे इंतजार में रुके रहते हैं मैं उन्हें कभी मिलता ही नहीं। मुझे हमेशा कल के लिए छोड़ा जाता है, और मैं आपको ये बता दूं कि वो कल कभी आता नहीं है। क्योंकि मैं वो चीज़ हूँ जिसे आप ना पैसे से खरीद सकते हैं, ना सोने चांदी से। मैं वो अनमोल खजाना हूँ जिसे आप पूरी दुनिया की दौलत से भी नहीं खरीद सकते। जो लोग मेरे साथ चलते हैं वो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं और बड़ी बड़ी ऊंचाइयां को छूते हैं। और जो मुझसे खिलवाड़ करते हैं वो अपना कंडीशन तो जानते ही हैं। अब चलिए, बातें बहुत हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप मुझे मैनेज कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट टेक्निक, कीप योरसेल्फ बिजी। अपने आप को बिजी रखो। अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो मुझे उन कामों में यूटिलाइज करें जो आपको इफेक्टिवनेस, इफिशंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में हेल्प करें। क्योंकि इफेक्टिवनेस आपकी कैपेबिलिटी को बढ़ाती है, इफिशंसी आपको काम सही समय पर पूरा करने में मदद करता है, और प्रोडक्टिविटी वो फाइनल आउटकम है जो आप अपने इफेक्टिवनेस और इफिशंसी से अचीव करते हैं। दोस्तों, इसे मैं आपको एक सक्सेस कोट से समझाता हूँ जो मैं फेमस प्रोफेसर मैसन कुली ने दिया है, रिग्रेट फॉर वेस्टेड टाइम इज मोर वेस्टेड टाइम। सेकेंड टेक्निक, ऑलवेज शेड्यूल मी। मुझे हमेशा रूटीन बनाकर फॉलो किया करो, जैसे कि तुम्हें कब कौन सी चीजें करनी है। इसे करने के लिए आप कुछ डेली गोल्स सेट कर लीजिए जो आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने में हेल्प करेगी। जैसे कि आप एक दिन में कितना टाइम पढ़ेंगे, कितना टाइम टीवी देखेंगे, कितना टाइम अपने सोशल मीडिया पर स्पेंड करेंगे। मैं आपको इसे एक सक्सेस कोड देकर समझाता हूँ जो मैं फेमस चाइनीज फिलोसोफर लॉ जू ने दिया है, टाइम इज अ क्रिएटेड थिंग, टू से आई डू नॉट हैव टाइम इज लाइकली टू से आई डोंट वांट टू डू इट। थर्ड टेक्निक, फॉलो द 80-20 रूल। अगर आप मुझे मैनेज करना चाहते हैं तो आप 80-20 रूल फॉलो कर सकते हैं, जिसे हम पैरेटो प्रिंसिपल भी बोलते हैं। यह रूल हमें यह बताता है कि 80% जो हमारा रिजल्ट है वो 20% एफर्ट से ही आता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप कोई भी काम में अपना 50% भी लगा दे तो उसका आउटकम क्या होगा। मैं आपको इसे एक कोट से समझाता हूँ जो हमें स्टेफन आर कोवी ने दिया है, जो एक फेमस अमेरिकन एडुकेटर, ऑथर और बिजनेसमैन थे। द की इज नॉट स्पेंडिंग टाइम बट इन्वेस्टिंग इन इट। फोर्थ टेक्निक, स्पेंड योर मॉर्निंग्स ऑन MITs। अगर आप अपना पूरे दिन को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप सुबह उठकर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है, जिसे हम MITs बोलते हैं, उसे आप सबसे पहले पूरा कर लीजिए, जो आपको बिगेस्ट मोमेंटम देगा पूरे दिन के लिए प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। चलिए मैं आपको इसे एक कोट से समझाता हूँ जो मैं फेमस ऑथर स्टीफन किंग ने दिया, जो एक फेमस ऑथर है हॉरर और सुपर नेचुरल फिक्शन बुक्स के। टाइम टेक्स इट ऑल वेदर यू वॉन्ट इट और नॉट। फिफ्थ टेक्निक, एलिमिनेट बैड हैबिट्स। अगर आप मुझे सबसे ज्यादा वेस्ट करते हैं तो वो है आपकी बैड हैबिट्स के कारण, जैसे कि मूवीज देखना, सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक व्हाट्सएप पर ज्यादा टाइम वेस्ट करना, प्लेइंग गेम्स एंड स्पेंडिंग मोर टाइम इन गॉसिप्स एंड सो ऑन। तो मैं आपको इसे एक कोट से समझाता हूँ जो हमें चार्ल्स रिचर्ड्स ने दिया है, देयर आर ओनली एज मेनी डेज इन द ईयर एज यू मेक यूज ऑफ। वन मैन गेट्स ओनली अ वीक्स वैल्यू आउट ऑफ अ ईयर, व्हाइल अनदर मैन गेट्स अ फुल ईयर्स वैल्यू आउट ऑफ अ वीक। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बनाते रहता हूँ।